सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल रॉक्समर। तो भाई आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर थर्ड एनिवर्सरी लाइट पास इवेंट के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आपको लाइट पास बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा कि नहीं, तो ये सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। एंड साथ ही मैं आपके लिए बहुत सारे कूल अपडेट्स एंड इवेंट लेके आया हूँ जो कि आपको देखने को मिलने वाले इस मंथ में, एंड आपके लिए नया करेक्टर भी आने वाला है। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली, पूरी इवेंट एंड अपडेट से रिलेटेड होगी। तो गाइज आज की वीडियो आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि सारे इवेंट मस्त मस्त दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जरूर से वीडियो एंड तक देखते रहना, और अगर चैनल पर नए आ रहे हो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हमारे पहले इवेंट की तरफ से। तो यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हो ब्लैक वाली टी शर्ट जो कि बहुत पुरानी है, तो गाइस ये आपको देखने को मिल सकती है हमारे ये वाले फेडेड व्हील इवेंट में। तो गाइस आपको पता है जैसा कि फेडेड व्हील इवेंट में आपको दो आइटम रीसेलेक्ट करके बाकी इसमें स्पिन मारना रहता है एंड डायमंड की प्राइस बढ़ती आती है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग जो टी शर्ट देख पा रहे हो ब्लैक वाली, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि हमारे सर्वर पे आपको ये फेडेड व्हील इवेंट में देखने को मिल जाए, ठीक है। फ्री की बहुत कम चांस है, बाकी इसकी आपको फेडेड व्हील इवेंट में आने की बहुत ज्यादा चांस है एंड जल्दी आपको ये देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो गाइस ये आपको नेक्स्ट या मतलब थर्ड एनिवर्सरी के चलते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस निकल के आ रहे हो क्योंकि अदर सर्वर पे गाइस ये देखने को मिल चुका है, तो यार हमारे सर्वर पे आ सकता है, ठीक है। तो गाइस अब मूव करते हैं नेक्स्ट इवेंट एंड नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो गाइस यहाँ पे एक जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैजिक क्रिएटिव स्टोर अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे दो बंडल नए बंडल डाल दिए गए, जहाँ पे मैंने आपको वीडियो बनाकर ऑलरेडी बता दिया था कि आपको ये दोनों बंडल देखने मिलने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन जैसा कि आपको पता है करेक्ट रहती है, तो यार इस बार भी हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी। एंड गाइस यहाँ पे आप जाकर चेक कर लो, यहाँ पे मैजिक क्रिएटिव स्टोर अपडेट कर दिया गया। अगर गाइस आपको यार बंडल अच्छा लगता है तो गाइस आप इसे एक्सचेंज कर लेना जाकर, ठीक है। तो गाइस आप मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइस हमारा अगला अपडेट निकल के आ रहा है, वो है मास्क को लेके। तो गाइस यहाँ पे अदर सर्वर पे आपको अवेलेबल करवाया गया है यहाँ पे स्टोर के अंदर मास्क को, जहाँ पे आपको क्रेडिट खरीदने के बदले जहाँ पे आपको पता होगा कुछ टोकन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको टोकन मिलते हैं उससे आप मास्क आइटम्स एक्सचेंज कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये मास्क आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे, जहाँ पे आपको डायमंड से क्रेड खरीदनी है एंड उसके बाद उसको खोलना है, तो हो सकता है आपको क्रेड मिल जाए, मतलब वो मास्क मिल जाए या तो उसका आपको टोकन मिल जाए जिससे आप एक्सचेंज कर पाओगे मास्क को। तो ये दूसरे सर्वर पे अवेलेबल करवाया गया एंड मे बी गाइस ये हमारे सर्वर पे जल्दी आ सकता है, ठीक है। बट इसके कम चांसेस लगते हैं, बट आपको बता दिया कि ये अदर सर्वर पे आ चुका है, तो यार हमारे सर्वर पे चांसेस है क्योंकि मास्क बहुत दिन से हमारे सर्वर पे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो गाइस अब मूव करते हैं नेक्स्ट इवेंट एंड नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो गाइस यही कहीं जो हमारा अगला अपडेट निकल के आता है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये जो ऑफिशियल ट्रेलर लीक हो चुका है यहाँ पे फ्री फायर का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ऑफिशियल ट्रेलर निकल गया है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। एंड गाइस यहाँ पे बोला जा रहा था, जैसा कि मैंने बोला कि फ्री फायर का स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको न्यू करेक्टर देखने को मिल सकता है, तो यार आप यहाँ पे ग्रीन वाला करेक्टर जो नोटिस कर पा रहे हो, ठीक है। तो यार वेनम बंडल भी है एंड साथ में अभी नया ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आपको एक आइलैंड भी दिखाया जा रहा है, जहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये कि इसमें बहुत सारे हिडन सीक्रेट दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नया करेक्टर देखने को मिल सकता है जो आप देख पा रहे हो इस समय। तो ये जो करेक्टर आप देख पा रहे हो, तो ये मे भी नया करेक्टर हो सकता है या तो नया इसका बंडल आ सकता है, ठीक है। करेक्टर नहीं तो इसका बंडल हो सकता है, साथ में आपको ये जो देख पा रहे हो यही वाला करेक्टर आपको देखने को मिलेगा जो एकदम सेंटर पे है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक न्यू एक ये भी करेक्टर देखने को मिल रहा है जो कि ब्लू कलर में है, ठीक है। तो यार मे भी ये भी आपका नया करेक्टर हो सकता है, तो इसके दोनों में मतलब कि चांसेस बढ़ रहे हैं। आप सेंटर पे देखो एक तो न्यू करेक्टर देखने को मिला जो कि ब्लू ड्रेस में है, ठीक है। तो इसको बहुत हाइड करके रखा गया एंड आपको पता है हाइड करके दिया जाता है ये सब। तो यार ये ट्रेलर है जिसको मैं आपको कट कर करके दिखा रहा हूँ, जो मेन पार्ट है तो यार वो कट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यार इसमें आपको हमारे दो हिडन सीक्रेट निकल के आए हैं, तीन टो देखे, जहाँ पे आपको एक आइलैंड देखने को मिल रहा है, साथ में आपको न्यू करेक्टर दो टो देखने को मिल रहे हैं। तो मे भी आपको ये हमारे ओबी अपडेट में तो नहीं, मतलब अगले अपडेट में नहीं, मे भी आपको 24-25 तक देखने को मिल जाए, ठीक है। 24 नहीं 25-26 तक हो सकता है आपको देखने को मिले कोई न्यू करेक्टर जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेलर में। तो अभी बस इसकी नई लीक्स निकल के आई थी, और भी कोई इसके ऑफिशियल लीक्स नहीं निकल के आई है, बस इसको आपको पता है जब भी कोई ऑफिशियल ट्रेलर आता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी हिडन सीक्रेट्स होती हैं फ्री फायर की जो ऑफिशियल ट्रेलर होती है, तो इसमें भी कुछ सीक्रेट देखने को मिल रहे थे, तो वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस जो नेक्स्ट इवेंट निकल के आ रहा है वो है लेवल अप पास को लेकर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये जो इवेंट है लेवल अप पास नाम से, तो यार यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये इवेंट आपको हमारे सर्वर जल्दी देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। तो मेरे भाई इसमें होता ये है कि यहाँ पे मतलब कि आपको डायमंड जैसे डायमंड आपको कुछ मेंबरशिप खरीदनी होती है 95 रुपीज की, आपको नियर अबाउट मेंबरशिप देखने को मिलती है, मे बी प्राइस वेरी कर सकता है हमारे सर्वर पे, तो ये कुछ ऐसे 95 रुपए देखने को मिल रहा है। एंड गाइस वहाँ पे आप जैसे ही इसको परचेज कर लोगे, उसके गाइस अगर आपको लेवल अप करना रहेगा, ठीक है, इन गेम जो आपको लेवल होता है, ठीक है, तो उसको आपको लेवल करोगे तो वहां पे कोई डायमंड देखने को मिल सकता है 520 के लगभग, यहाँ पे कोई डायमंड देखने को मिल रहा है सर्वर पे। हमारे सर्वर पे डायमंड की प्राइस चेंज हो सकती है, ठीक है। तो यार अगर आप जैसे 30 लेवल तक इसमें दिया गया है, तो अगर 30 लेवल से जैसे आपका 50-45 ऐसे आपको 30 से ऊपर है, तो गाइस जितना भी 30 लेवल तक का होगा, तो यार वो सब आपको पहले दे दिया जाएगा। जो भी 30 लेवल क्रॉस होंगे तुमको एक ही बार में पूरा डायमंड क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
सो भाई अभी मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे फीफा थर्ड एलाइट पास के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बोल दूँ यार चैनल पे अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट करना। अब इतनी देर तक वीडियो देखी ले तो सब्सक्राइब भी कर दो, हम आपके लिए ऐसे कंटेंट डालते रहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना। अब गाइस मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। तो यार अभी फीफा थर्ड एलाइट पास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे को कि एलाइट पास आपको फ्री में देखने को मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो यार फ्री में आपको एलाइट पास देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस यहाँ पे अदर सर्वर में आपको बता दूँ देखने को मिल चुका है, बट यार हमारे सर्वर में बहुत कम चांसेस निकल के आ रहे हैं। बाई द वे मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे फ्री फायर का एलाइट पास, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक और चीज बता दूँ, यहाँ पे फ्री फायर थर्ड एनिवर्सरी इवेंट वो अभी पूरा स्टार्ट नहीं है, मतलब अभी तो ये सब चल रहा है, ठीक है। छोटे मोटे इवेंट्स आ रहे हैं, तो अभी 23 है जो पीक डे होगा। साथ में विशिंग वाले इवेंट के बारे में बात करें तो मे भी आपको वो भी देखने को मिल सकता है, मतलब आपको 50% मान के चलो। अब देखो यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बनती है, आपको एलाइट पास फ्री में देखने को मिल सकता है या तो डिस्काउंट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर फ्री में देखने को नहीं मिला तो आपको डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिस्टर शॉप एंड यहाँ पे सुपर मार्केट मैंने वीडियो डाल रखी, तो आप उसको आई बटन मिलिंग मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको बताया था दोनों में किसके आने के चांसेस हैं, तो उसको जाके चेक कर लेना। एंड यहाँ पे हैकर स्टोर के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथ में गाइस मैं आपको बता रही एलाइट पास के बारे में, अभी आप मतलब अगर नहीं लिए तो मत लेना, ठीक है। एंड मे भी आपको बहुत ज्यादा डायमंड रखे हो तो डायमंड भी बचा के रखना, क्योंकि आपको देखने को मिल सकता है डिस्काउंट पे या तो फ्री में। अगर इस मंथ का नहीं मिलेगा तो मे भी आपको नेक्स्ट मंथ का फ्री में देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले बार मेरे को याद है यहाँ पे अगस्त का आपको देखने को नहीं मिला था, उसमें विशिंग वाले इवेंट में सेप्टेम्बर का आपको देखने को फ्री मिल गया था। तो यार यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस निकल के आते हैं कि आपको ये फ्री में देखने को मिल सकता है या तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट में देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।